तो दोस्तों 2021 को लेकर एक बात तो पक्की हो चुकी है कि भाई 2021 हम ऑडियंस के लिए तो बहुत बेहतरीन होने वाली है, मगर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के मेकर्स के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं, चलिए मैं आपको बताता हूं इस न्यूज के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लिख रहा हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी भैया उस फिल्म से जिसको लेकर कई लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा था कि क्या वाकई में थलापति विजय की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि मास्टर हिंदी में आने वाला है। तो दोस्तों आज इस फिल्म को लेकर फाइनली ऑफिशियली भैया घोषणा कर ही दी गई कि भैया थलापति विजय भी अब बॉलीवुड के सर्किट में अपना दमखम दिखाने की तैयारियों में जुट चुके हैं। यानी कि भैया 2020 ने तो पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को काफी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन भैया 2021 जो है वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। यानी कि भैया इस बार सारे बैरियर टूटेंगे, पूरे इंडिया के सुपरस्टार अपना दमखम अब ऑल ओवर इंडिया में दिखाएंगे। यानी कि भैया मास्टर को लेकर ऑफिशियली घोषणा कर दी गई है मास्टर के हिंदी वाले पोस्टर को जारी करते हुए कि भाई हाँ ये फिल्म हिंदी में आने वाली है। अपने दमदार परफॉर्मेंस से अब भैया बॉलीवुड के सर्किट में भी अपना सिक्का जमाने की तैयारियों में जुट चुके हैं। और भाई इनका सिक्का तो ऑलरेडी टेलीविजन इंडस्ट्री पर तो चल रहा था, क्योंकि भैया साउथ की फिल्में बॉलीवुड के सर्किट में काफी तेजी से दिखाई जाती, या फिर मैं कहूं भैया कि इन दिनों मतलब हिंदी चैनल्स पर ज्यादातर साउथ की फिल्में आती हैं। और भाई अब लोग विजय को अच्छी तरीके से पहचानते हैं और भाई इसी बात का फायदा उठाते हुए विजय ने भी अब फाइनली ऑफिशियली घोषणा कर दी है कि मास्टर हिंदी में आने वाली है। यानी कि भैया 2021 में अब इस फिल्म के सामने बॉलीवुड का कौन सा सुपरस्टार आएगा अपने फिल्म को लेकर, क्योंकि भैया 2021 को लेकर ये बात तो तय हो चुकी है कि भैया हर एक डेट पर इस बार मुकाबला कड़ा होने वाला है। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि भैया मास्टर के पोस्टर के साथ तो इस बात की घोषणा कर दी गई है कि भैया ये फिल्म भी हिंदी में आने वाली है। तो दोस्तों क्या इस फिल्म के साथ बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर्स और बॉलीवुड के बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर वही गंदा खेल खेलेंगे जो कि भैया अवनेश श्रीमन नारायणन के साथ खेला गया था, चेरा नरसिम्हा रेड्डी के साथ खेला गया था। यानी कि भैया साउथ की फिल्मों के साथ इधर के डिस्ट्रीब्यूटर कैसा खेल खेलते हैं ये तो हम लोग लगातार देखते हैं। लेकिन भैया अब देखने वाली बात यह है कि क्या थलापति विजय का रास्ता रोक पाएंगे ये पॉलिटिकल डिस्ट्रीब्यूटर और मेकर्स, क्योंकि भैया अब मुकाबला कड़ा होने वाला है। तो दोस्तों बॉलीवुड से जुड़े हुए और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वर न्यूज एक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।